हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन को 260 किलोमीटर नॉनस्टॉप चलाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये सब शुरू होता है जब ललितपुर से एक 3 साल की बच्ची लापता हो जाती है। उसे खोजते हुए जब परिवार वालों ललितपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के द्वारा पता चलता है कि एक युवक ने उस बच्ची को लेकर 02511 राप्ती सागर एक्सप्रेस में चढ़ गया है। ललितपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी ने झांसी स्टेशन के सुरक्षा बल पोस्ट को बताया कि एक युवक 3 साल की बच्ची को लेकर राप्ती सागर एक्सप्रेस में भोपाल की तरफ आ रहा है और उन्होंने उसका ड्रेस कलर भी बताया। हालांकि राप्ती सागर एक्सप्रेस का ललितपुर के बाद भोपाल में ही स्टॉप था, लेकिन ट्रेन कहीं ना रुके इसलिए भोपाल तक इस ट्रेन को क्लियरेंस दिया गया नॉनस्टॉप चलने के लिए, और इसके दौरान ट्रेन ने एक अच्छी रफ्तार मेंटेन किया। अक्टूबर 25 शाम 7 बजे उसने ट्रेन चढ़ी थी और 8:43 पर जब ट्रेन भोपाल पहुंची तब आरपीएफ और जीआरपी ने पूरी तैयारी कर ली थी और वो युवक पकड़ा गया। उस 3 साल की बच्ची को सेफली अपने घर वालों के पास छोड़ दिया गया। स्टेशन में लगे सीसीटीवी, आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के कर्मचारियों की वजह से किडनैपर को गिरफ्तार किया गया और बच्ची को सुरक्षित अपना घर वापस भेजा गया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।